एक पत्नी जो सोचती है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए सच्चाई जानने के लिए वो एक लड़की को उसकी प्रेमिका बनाती है और उसे अपने पति के साथ सेक्स करवाती है ताकि वो उसे धोखा देते हुए पकड़ सके। कहानी कैथरीन नाम की एक पत्नी से शुरू होती है। उसने घर पर अपने पति के लिए एक सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया, लेकिन उसके पति ने उसे फोन किया और कहा, डियर अनफॉर्चुनेटली मैं आज रात घर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी फ्लाइट छूट गई है। लेकिन हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसके ठीक पीछे एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। कैथरीन उसका इंतजार करती रही और पूरी रात रोती भी रही। अगले दिन जब वो उठती है तो देखती है कि उसका पति घर पर है और उसने उससे बात भी नहीं की है। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से बाहर गया तो कैथरीन ने तुरंत उसके फोन के मैसेजेस पर नजर डाली। उसने देखा कि उसके फोन में एक फोटो है जिसमें वो एक लड़की के साथ है जिसे वो बिल्कुल नहीं जानती। कैथरीन को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसे लग रहा था कि डेविड उसे कुछ छिपा रहा है और वो उस लड़की के साथ उसे धोखा दे रहा है जो उसके साथ थी। कुछ दिनों के बाद जब वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कैथरीन अपने पति से ज्यादा बात नहीं करती और फिर उठकर बाथरूम चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात क्लो नाम की लड़की से होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुखी हो। कैथरीन ने उसे कुछ देर बाद की और अपने पति के पास वापस आ गई। एक मिनट के अंदर कैथरीन देखती है कि क्लो एक आदमी के साथ बैठी है जो उसे छू रहा है। कुछ दिनों बाद जब कैथरीन अपने क्लिनिक में थी तो उसने क्लो को फिर से देखा। क्लो एक होटल जा रही थी। एक मिनट में ही कैथरीन को समझ आ गया कि वो एक कॉल गर्ल है, इसीलिए वो पता लगाती है कि क्लो कहाँ काम करती है और फिर उससे मिलने जाती है। अब ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। कैथरीन का कहना है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। मैं बस ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि क्या वो सच में मेरी पीठ पीछे किसी दूसरे लड़की के साथ सेक्स कर रहा है या नहीं, इसलिए तुम मेरे पति के पास जाओ और उन्हें किसी होटल में ले जाओ। मैं जानना चाहती हूँ कि जब वो तुम्हारे साथ एक कमरे में अकेला होगा तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। अपना काम करने के लिए वो क्लो को कुछ पैसे भी देती है। अगले दिन क्लो डेविड का पीछा करती है और एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ उसका पीछा करते हुए वो उससे बात करने और किसी तरह कुछ समय बिताने की कोशिश करती है। अगली सुबह क्लो कैथरीन को सब कुछ बताती है कि उनके बीच क्या हुआ था। क्लो बताती है कि डेविड ने न तो मेरे करीब आने की कोशिश की और न ही सेक्स करने की कोशिश की, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ का भरपूर आनंद लिया और काफी देर तक बातें की। कैथरीन ने उसे अपने पति के पास जाकर एक बार फिर से और पहले से भी अधिक कठिन प्रयास करने के लिए कहा। अब कैथरीन को ऐसा लग रहा था कि शायद डेविड मुझे वैसा धोखा नहीं दे रहा है जैसा मैं सोच रही था। इसीलिए शाम को जब डेविड घर में अकेला होता है तो वो कुछ देर बात करने के लिए उसके पास जाती है और फिर पूरी रात सेक्स करते हैं। अगले दिन क्लो ने उसे मैसेज किया और एक रेस्टोरेंट में उसे मिलने के लिए कहा। जब कैथरीन वहां जाती है तो क्लो उससे कहती है कि मैं कल तुम्हारे पति से फिर मिली थी। वो मुझे एक पार्क में घुमाने के लिए ले गया और बाद में वो मुझे एक कमरे में ले गया। वहां उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया, लेकिन उसने जो किया वो सिर्फ चुंबन था, उसने और कुछ नहीं किया। ये सुनने के बाद कैथरीन इतनी पागल हो जाती है कि तुरंत वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद क्लो उससे मिलने उसके क्लिनिक जाती है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात मार्कस नाम के लड़के से होती है। उससे कुछ देर बात करने के बाद उसे पता चला कि वो कैथरीन और डेविड का बेटा है। उसने उसे थोड़ा और जानने की कोशिश की, लेकिन जब कैथरीन ने उसे अपने बेटे से बात करते देखा तो वो क्लो को उससे दूर एक केबिन में ले गई और उसे मार्कस से दूर रहने के लिए कहा। फिर कैथरीन ने उसे आखिरी बार डेविड से मिलने और मेरे सामने असली सबूत लाने की कोशिश करने को कहा। अगले हफ्ते जब कैथरीन कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी तब क्लो ने उसे मैसेज किया और फिर से मिलने के लिए कहा, लेकिन इस बार क्लो ने उसे होटल के एक कमरे में बुलाया। जब कैथरीन वहां पहुंची तो उसने देखा कि बेडशीट पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और तभी उसकी नजर क्लो पर पड़ी। वो नहाकर बाथरूम से बाहर आ रही थी। क्लो एक सोफे पर बैठती है। कैथरीन उससे पूछती है, तो मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ। क्लो ने उसे बताया कि हम एक रेस्टोरेंट में मिले, कुछ समय साथ बिताया और फिर उसने मुझे इस होटल के कमरे में लाया। यहाँ हम बिस्तर पर बैठकर बातें कर रहे थे, फिर वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और अचानक उसने मुझे चूम लिया। फिर हमने ठीक इसी बिस्तर पर सेक्स किया। ये सुनकर कैथरीन रोने लगी क्योंकि वो अपने पति के बारे में जो भी सोच रही थी वो सच था। वो सचमुच उसे धोखा दे रहा था। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन कैथरीन देर से घर आई और पूरी तरह से नशे में थी। डेविड ने उससे पूछा कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी जो इतनी देर से घर आ रही हो। कैथरीन कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसके साथ थी, इसकी परवाह तुम्हें क्यों है। ये तुम ही हो जो मेरी पीठ पीछे लड़की को अपनी वासना की भूख मिटाने किसी होटल के कमरे में ले जाते हो। वे एक दूसरे से लड़ते रहे और फिर कैथरीन घर से बाहर चली गई। वो कुछ देर रुकने के लिए क्लो के घर जाती है, लेकिन उसने पूरी रात वहीं बिताई। अगले दिन जब क्लो एक बार फिर उसे देखने उसके क्लिनिक में जाती है
तो वो उससे कहती है कि अब से ये सब बकवास बंद करो और मेरे परिवार और डेविड से दूर रहो। फिर वो अपने पति के साथ सेक्स करने के लिए क्लो का अपमान करती है और उसे ऑफिस से बाहर निकाल देती है। क्लो को इतना अपमानित महसूस हुआ कि वो सीधा उसके बेटे मार्कस के पास जाने का फैसला करती है। कैथरीन अपने पति से मिलने जाती है ताकि वो उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक कर सके। वे थोड़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और फिर दोनों ने एक दूसरे को उनके द्वारा किए गए हर गलती के लिए माफ कर देते हैं और एक दूसरे को चूमना शुरू करते हैं। जब मार्कस घर पर अकेला होता है तब क्लो उससे मिलने जाती है। मार्कस क्लो को अपने घर पर देखकर सचमुच चौंक जाता है, लेकिन फिर भी उसने उसे अंदर आने दिया और उससे बात करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद क्लो खुद ही अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्कस को साथ में सेक्स करने के लिए बेडरूम में ले जाती है। जब वे दोनों एक साथ बिस्तर पर थे तो अचानक कैथरीन घर आती है और उन्हें एक साथ देखती है। वो अपने बेटे को कमरे से बाहर धकेल देती है और क्लो से इस सब के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लो उससे झगड़ने लगती है। अब दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह झगड़ने लगे। कैथरीन ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि क्लो खिड़की से बाहर गिर जाती है और तुरंत मर जाती है। और फिल्म यही खत्म होती है।